पी सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के यमुनानगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जो है रेलवे के तमाम अधिकारी जो है आप सभी को जानकारी दे दें कि रेल को जांचने के लिए यहां पर प्रॉपर टीम बनाई गई है। आप सभी से अनुरोध कि जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि लगभग ये ट्रेन जो है दीनदयाल कोच यानी कि जनसेवा एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। और अमूमन बात की जाए यमुनानगर प्रवासियों का प्रदेश बताया जाता है, जहां पर अमूमन लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए पुलिस प्रशासन साइबर क्राइम के लिए अलर्ट जारी कर रही है और कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आ रही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, SHO मौके पर मौजूद है, पूरी तरीके से जो है खंगाली जाएगी ट्रेन में जो लोग आ रहे हैं जो लोग जा रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाएगी। बता दें आप सभी को त्योहार हैं और त्योहार के मद्देनजर रखते हुए अमूमन लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को मेंटेन करने के लिए प्रशासन के तमाम अमले जो हैं काम करते हुए नजर आते हैं। आप सभी को जानकारी दे दें RPF की बात की जाए, GRPF की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को जानकारी देते हैं जो भी वीडियो इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर कर देगा। तो आप सभी को दिखा रहे हैं कि लोगों को सचेत करते हुए नजर आ रहे हैं और बताते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सभी को जानकारी दे दें कि मौके पर जो है तमाम लोग एक दूसरे को जानकारी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस ट्रेन में काफी भीड़ रहती है, बताया जा रहा है कि काफी लोग जो है अपने सफर तय करते हैं, लेकिन पुलिस चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर जो प्रॉपर निगरानी है, निगरानी की बात की जाए लोगों को चढ़ने में उतरने में तमाम परेशानी होती है तो उस परेशानी से किस तरह से निजात पा सके वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे SHO से क्या है। त्योहारों के समय को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पुलिस की बात की जाए, रेलवे पुलिस की बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए त्योहारों के दिन है और कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान और साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस प्रशासन रेलवे पुलिस की टीम SHO बात की जाए नरेंद्र प्रसाद और पूरी उनकी टीम जो है आज चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। जानकारी मिल पा रही है दिवाली का त्योहार है और यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, इसके बाद छठ का पावन त्योहार मनाया जाता है तो बहुत सारे बिहार के प्रवासी मजदूर हैं अपने घर की ओर जाते हैं और जिसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें जो है निगरानी करती हुई नजर आती है। चाक चौबंद तरीके से रेलवे पुलिस यमुनानगर की बात की जाए तो लोगों के सामान को देखती हुई नजर आ रही है। बात की जाए मेटल डिटेक्टर की तो मेटल डिटेक्टर से भी जो है लोगों की पूरी छानबीन करती हुई नजर आ रही है। त्योहार के दिन है, बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को मेंटेन करना होता है और मेटल डिटेक्टर से जो है मदद से देखा जा रहा है कि सामान कोई ऐसा ना हो जिससे कोई भी गतिविधियों को चीजों को ना देना पड़े। और आप सभी को दिखा रहे हैं कि मौके पर प्रशासन के तमाम लोग की जाए तो पूरे जो है बैग्स को खंगालते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेरी जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए रेलवे पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान जो है जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। त्योहार के दिन है और कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाका यमुनानगर इसलिए आता है क्योंकि तटवर्तीय सीमावर्तीय इलाके यमुनानगर को जोड़ते और कहीं ना कहीं बातचीत की जाए तो पंजाब की भी बॉर्डरी लगती है और सहारनपुर से यूपी की बॉर्डर भी लगता है तो कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाका यमुनानगर पड़ जाता है जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए RPF की बात की जाए तो रेलवे पुलिस प्रशासन की तमाम फोर्स जो है यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनके बैग्स को खंगालते हुए नजर आ रही है। मेटल डिटेक्टर के थ्रू पूरी तमाम टीमें जो है ट्रेन की भी चेकिंग करती हुई नजर आ रही है और आसपास जो है पूरे जो है रेल परिसर की, रेलवे परिसर की तैयारी है और रेलवे परिसर की जांच करती हुई नजर आ रही है। मेरी जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो तस्वीरें आप लोग यमुनानगर की जगाधरी स्टेशन से देख रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन जो है यहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से चौकसी करता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत आप सभी को दिखा दें, प्रवासी मजदूर हैं यमुनानगर में, अमूमन तबका प्रवासी मजदूरों का है जो त्योहार बनाने के लिए बिहार की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं उनके बैग्स निकालकर उनकी जो है प्रॉपर चेकिंग करती नजर आ रही है। महिला पुलिस की बात की जाए तो महिला पुलिस भी प्रॉपर यहां पर तैनात है और कहीं ना कहीं लॉ
एंड ऑर्डर की स्थितियां मेंटेन करने को SHO नरेंद्र प्रसाद और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर लोगों को निर्देशानुसार देते हुए नजर आ रहे हैं। निर्देशानुसार क्योंकि किस तरीके से त्योहारों के दिनों में है इस तरीके की घटनाएं जो है बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये जो है प्रॉपर काम किया जाता है। नरेंद्र प्रसाद हैं, SHO हैं रेवली पुलिस में, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ पूरी बातचीत है, क्या कुछ करते सर आज, क्या कुछ है जो एक अभियान चलाया गया है, त्योहार हैं, काफी प्रवासी मजदूर हैं यमुनानगर में हैं बिहार जाने के लिए, गोरखपुर जाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के? इस करके विशेष प्रोग्राम छठ तक चलेगा जी। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आने वाली ट्रेन काफी ज्यादा जो है भीड़ जा रही है आजकल, तो ट्रेनों में क्या कुछ आप लोग सुरक्षा निगरानी के चलते क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है रेलवे पुलिस के द्वारा किए गए हैं? देखिए भीड़ तो इतनी है कि आपके सामने अभी गाड़ियां चेक किए देखें, चढ़ने वालों की बहुत काफी संख्या में भीड़ है। हमारी तरफ से कोशिश यही है कि हर गाड़ी का डब्बा खुलवाया जा सके और थोड़े थोड़े करके हर आदमियों को गाड़ी में चढ़वाया जा सके। रही बात यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तो हमारी GRP RPF की दोनों टीमें यात्रियों प्लेटफार्म पर बैठे यात्रियों की चेकिंग और आने जाने वालों की गहनता से चेकिंग की जाए। सर लोग काफी सामान लेकर आते हैं, क्या कुछ उनसे अनुरोध करेंगे सामान लिमिटेड लेकर आ सके ताकि सर जो है आने वाले और यात्रियों को दिक्कतों का ना सामना करना पड़े? अभी आपके सामने आपने देखा हमने एक जागरूकता अभियान, साइबर जागरूकता अभियान का भी प्रोग्राम चला रहे हैं हम साथ के साथ। उसके साथ ही साथ हमने ये भी बताया लोगों को कि आप सफर में किसी का खाएं पिए ना और कम से कम सामान लेकर के सफर करें। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पे हम यात्रियों से ही अनुरोध कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कम सामान लेकर चले ताकि उनकी यात्रा सुखद और सरल। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम को चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैल रही है। आप पीछे भी हमारे पास कई बार आए और आते ही रहते हैं, तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आगे भी आप हमारे इसी तरह सहयोग करें, लोगों को जागरूक करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर तमाम SHO और उनकी टीम मौजूद थी और कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान करते नजर आई। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।